हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास गूगल क्रोम में ये एरर आ रहा है, एरर नेम नॉट रिजॉल्व्ड, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं आपके विंडोज़ पीसी में से, तो आपको यही बताने वाला हूं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है, आपके पास ठीक से इंटरनेट आ रहा है या नहीं। उसके बाद आप जो है, अगर आपके पास इंटरनेट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग को ओपन कीजिए। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रबल शूट, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आपको इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक करना है। लेफ्ट साइड में आप यहां पर देख सकते हैं चेंज एडाप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और यहां पर आपको इंटरनेट को सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। फिर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन को आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। उसके बाद प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको फिर से विंडोज़ 11 की सेटिंग को जो है ओपन कर देना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉक्सी सेटिंग, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग, ये फीचर जो है आपके पास टर्न ऑफ होना चाहिए। और यहाँ पर जो है यूज़ प्रॉक्सी सर्वर, ये भी जो है आपके पास टर्न ऑफ होना चाहिए। उसके बाद आप सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर इनबॉक्स में आपको चेक करना है। फिर आपको यहाँ पर टाइम रेंज ऑल टाइम सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गूगल क्रोम की जो भी हिस्ट्री थी वो सारी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप गूगल क्रोम को जो है क्लोज़ कीजिए, फिर आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।